क्या तेरे नाम टू में होने वाला है खतरनाक विलन? कौन होगा तेरे नाम टू का विलन? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, एक फिल्म की सफलता सिर्फ उसके हीरो से ही नहीं बल्कि उसके विलन से भी आती है। चाहे फिल्म में लीड रोल में कोई भी एक्टर हो, लेकिन वो फिल्म का हीरो तब तक नहीं बनता जब तक उसका सामना किसी विलन से नहीं होता। एक महान और बड़े विलन से ही एक फिल्म सुपरहिट बन पाती है। आप सब बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और मशहूर फिल्म शोले के बारे में तो जानते ही होंगे, जबकि दोस्तों लोग जय वीरू की दोस्ती, बसंती और धन्नो के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हम कभी भी गब्बर सिंह के किरदार को नहीं भूल सकते। उनका डायलॉग कितने आदमी थे आज भी सभी के मन में गूंजता है। बॉलीवुड के विलन और फिल्म का सुपरस्टार होने के रिश्ते के बारे में दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का ये भी कहना है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की साल 2003 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म तेरे नाम ने जबरदस्त चर्चा बटोरी थी। इस फिल्म में सलमान खान ने राधिका किरदार निभाया था, जो कि काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला लीड रोल में थी और फिल्म की कहानी कलाकारों की एक्टिंग से लेकर गाने तक दोस्तों सुपरहिट साबित हुई। वहीं सलमान खान की ये फिल्म उनके हेयर स्टाइलिस्ट की वजह से खासा चर्चा में थी। सलमान खान के जैसे बाल उनके लाखों फैंस ने कराए थे और कई साल तक ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बनकर रह गया था। दोस्तों, अब इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा एक बार फिर उठ गई है। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का कहना है कि उनके पास तेरे नाम को आगे बढ़ाने की कई कहानियां हैं और इस बार तेरे नाम के सीक्वल में हमें एक खतरनाक विलन देखने को भी मिलेगा। फिल्म में एक खतरनाक विलन का आइडिया दरअसल सलमान खान का ही था। अब अखबार से इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि पर्दे पर हीरो को बड़ा दिखाने के लिए उनके सामने आने वाले विलन उनसे भी बड़ा होना चाहिए। जब तक हीरो अपने से बड़े विलन को नहीं मारेगा, वो हीरो नहीं बन पाएगा। दोस्तों, सुनने में आया है कि फिल्म के विलन के लिए रणदीप हुड्डा या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि सलमान खान इन दोनों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो फिल्म में अपने किरदार को बखूबी निभाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा इसमें फिल्म का विलन। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव।